दोस्तों, कई बार हमारे सामने काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं कि हम अपना प्रशासनिक उत्तरदायित्व कैसे निभाएं। हम मानवतावादी बने या अपना प्रशासनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कुछ कठोर निर्णय लें। मुझे याद है कि मैं आनंदपुरी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब पोस्टेड था नायब तहसीलदार की हैसियत से, तो अक्षय तृतीया के दिन मुझे एक शिकायत मिली बाल विभाग की, और मैं उसको रोकवाने के लिए गया, जांच करने के लिए गया। तो वहाँ पर जो थे, जो वहाँ के एक प्रभावशाली व्यक्ति और जो एमपी रह चुके हैं मालवीय साहब, वो भी थे। तो मैं गया, मैंने उसमें देखा शादी में, तो मेरे सामने अड़चन थी कि मैं किस तरह से इसको वो करूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे और वो एक ओकेज़न था उनके यहाँ, कुछ शादी अभी होनी थी, उनके यहाँ कुछ पहली सेरेमनी थी जो शादी से पहले की होती है। तो मैं गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की एमपी साहब से कि सर, इस तरह से शिकायत मिली है मुझे और मुझे कंप्लाइंस करनी है। तो जांच में पता लगा कि जिस लड़के के लिए शिकायत थी कि वो नाबालिग है, वो एक्चुअल में बाई सर्टिफिकेट तो नाबालिग था, लेकिन उसका जो डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा हुआ था, वो बालिग था उस समय। तो और ज़्यादा भी उसकी उम्र कम नहीं थी, थोड़ी सी कम हो रही थी, लड़की बालिग थी। तो जब मैं गया तो उसके माता पिता रोने लगे, कहने लगे जब उनकी लड़की की शादी थी उस समय भी ये झंझट हुआ था, एक्चुअल में कुछ गांव के जो लोग थे उनके साथ उनका कुछ मतभेद था, तो इस वजह से एक शिकायत दर्ज करा दी थी आपसी वैमनस्य की वजह से। तो मैं भी दुखी था क्योंकि प्रशासन को अच्छा नहीं लगता इस तरह से, और पर्टिकुलरली मैं हमेशा मैं अवॉइड करता था कि मुझे पब्लिक को डांटना पड़े या कुछ ऐसा काम करना पड़े, इसलिए मैं पहले वर्कआउट कर लेता था। और क्योंकि मेरा वहाँ पे पोस्टिंग जो ट्रांसफ़र हुआ था 2006 नवंबर में ज्वाइन किया था मैंने, और ये बात अप्रैल मई 2007 की है। तो उस समय फिर मैंने जिला कलेक्टर से बात करी, वहाँ पे एक विकास एस भाले उस समय कलेक्टर थे। मैंने कहा सर, ये समस्या यहाँ पर आ रही है क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि वो बालिग है और मुझे पूछताछ से पता लगा है, और लेकिन एकेडमिकली वो जो उसमें उसको वो नाबालिग है, लेकिन वैसे वो बालिग है, पौन एज वगैरह से उसे पता लग सकता है। तो उस समय कलेक्टर साहब ने बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया और वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड बैठाया जिसमें उसकी बोन एज जो थी, वो मेडिकल एज जो होती है, वो उसमें एक सर्टिफिकेट जारी किया गया और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो शादी हो चुकी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम लोगों ने उस व्यक्ति की सहायता करी, वो उसका अधिकार है अपने आप को वो करने का, और जो एक क्राइसिस था वो एवर्ट हुआ, अन्यथा वो वहाँ पर हमें शादी रोकनी पड़ती वो उसमें। लेकिन हमारा प्रशासनिक जो उत्तरदायित्व था वो भी पूरा हुआ और एक नज़ीर बनी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, क्योंकि ये बहुत एक मार्मिक दृश्य होता है कि जब हम किसी के यहाँ किसी को किसी जो वहाँ पर खुशी मनती है उसको रोकने जाते हैं, या कोई उसमें अड़चन पैदा करता है, जैसे कई केस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे घुड़सवारी पे नहीं चढ़ने देते, वो भी केस मेरे सामने आए थे। लेकिन क्योंकि वहाँ पर मैं उस समय उदयपुर में था, तो वहाँ पर कुछ थे वहाँ पर जगह ऐसी कि वहाँ पर समस्या आई, तो मैं गया तो उन लोग वो लोग मान गए क्योंकि मैंने काफ़ी वर्क किया हुआ था और वो लोग मेरी इज्जत भी करते थे। तो मैं जब गया तो उन्होंने मतलब अपना प्रोटेस्ट रोक दिया और वो इस तरह की कोई अड़चन नहीं है। लेकिन क्योंकि बांसवाड़ा में मैं नया था वो, और बस जो लोग थे वो मुझे थोड़ा सा बैक से जानते थे कि मैंने वहाँ पे उदयपुर में कोरडा के अंदर रह करके कुछ काम किया है, अन्यथा मेरा व्यक्तिगत वहाँ पर इफेक्ट नहीं था। तो बड़ा खुश हुआ मैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको एक चैलेंज लेके चलता हूँ और मैं देखता हूँ, क्योंकि बाल विवाह जो है ये कुरीति है हमारे यहाँ, अभी इलीगल है, और इसे हम कैसे रोक पाएँ। तो फिर मैं फील्ड में जब भी जाता था इस पॉइंट को लेकर के मैं लोगों से डिस्कस करता था कि आपके पास यदि कोई समस्या है इस तरह की, आप अभी देख लें, यदि आपका कोई भी शादी का कुछ प्रस्ताव है किसी का और आप सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यदि उसमें अभी अंडर एज हैं और आप मानते हैं कि आप अंडर एज नहीं हैं, तो आप अपने सर्टिफिकेट को चेक कराएं या फिर आप एक एप्लीकेशन दें, आपके लिए मेडिकल बोर्ड बैठेगा। आप इस तरह से इलीगल बन करके शादी ना करें, क्योंकि उनके पास एक तो जानकारी का अभाव था, और मैंने कोऑर्डिनेशन एक बना लिया था, कुछ 3-4 लोगों का हमारे स्टाफ का ग्रुप था,
और वहाँ के सरपंच वगैरह जितने भी प्रधान होते हैं उनके साथ मैंने काफ़ी चर्चा की इस बात को लेकर के। लेकिन क्योंकि अगले साल मैं 15 मार्च को छोड़ चुका था वहाँ पर और अक्षय तृतीया ये बाद में आती है, तो मुझे बताया कि थोड़ी सी कमी आई है, तो अभी भी शायद अक्षय तृतीया बाकी है। तो ये इस तरह के केसेस दोबारा से आएंगे और इनकी समस्या होती है ज़रूर। और इस समय हम कोरोना से जूझ रहे हैं और आदमी खुशी भी होना चाहता है, तो उसके सामने खुशी होने का मौका भी मिलना चाहिए। अभी हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर कोरोना से काफ़ी कुछ समस्याएं आ रही हैं। शायद ही कोई परिवार ऐसा बचा है जो इससे दुखी नहीं हो, और बहुत समस्याएं हैं इसमें। न्यूज़ भी बड़ी ब्लैक टाइप की हैं और उसमें बहुत डिप्रेसिव सा माहौल हो रहा है कि किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो राजनीतिक या प्रशासनिक हो, दुखी सब हैं हम, पर हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि हम जनता कोई खुशी मना रही है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम उसमें एक बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को अपनाएं। यदि मैं उस जगह पे होता, जैसे अगरतला में डीएम की शादी के रोकने का वो तरीका है, वो अपने आप में ठीक है, उसे रोकना चाहिए था शादी को, लेकिन जो तरीका था वो उस समय आज के उससे सेंसिटिविटी के हिसाब से वो ठीक नहीं है। ये सभी समझते हैं, कोई भी, चाहे वो पटवारी से लेकर के नायब तहसीलदार या कोई भी, यदि इसको सोचे और चिंतन मनन करे भविष्य में, तो उसको ज़रूर दुख होगा कि हमने ऐसा एक फैसला लिया कि जिसमें लोगों को कष्ट हुआ। ये कुछ पोस्ट ऐसी भी आई कि जिसमें वो कहा कि वो एक पर्टिकुलर उससे रिलीजन से हैं, पर्टिकुलर कास्ट से हैं, इसलिए उनके ऊपर काफ़ी सारी वो आ रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो होते हैं वो सबके लिए एक से होते हैं, और इस तरह की बात को सोचना आज के टाइम में वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनके अंदर भी कुछ दम है बातों के अंदर, लेकिन अब उनको हम इग्नोर कर दें तो ज़्यादा अच्छी बातें हैं, क्योंकि इस समय हमारा मेन मकसद है कि किस तरह से हम अपने समाज को, अपने जो हमारे प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से एक हमारे जो जनता है, हमारे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो हमारे जो नागरिक हैं, उनको कैसे हम खुशहाल करें, उनके चेहरे पर कैसी खुशी आए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं यदि होता, अभी आज मुझे एक वो मिला है, पोस्ट मिला है, हमारे ग्रुप है उसने मुझे भेजा है कि कुंभलगढ़ कार्यालय तहसीलदार ने किसी शादी के ऊपर लगभग कई लाख का जुर्माना लगाया है, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है इसके ऊपर, और उसमें जो मोहर लगी है ये SDM कुंभलगढ़ है, तहसीलदार की है, और उसमें जो भी व्यक्ति है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो इस समय SDM कुछ कुंभलगढ़ जो हैं वो परशुराम मीणा है, संभवतः हमारा 20वां जो बैच था RTS वाला वो उसके वो हो सकते हैं। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का जो दृष्टिकोण है, ये मुझे व्यक्तिगत हार्श लग रहा है। वैसे तो मुझे प्रशासनिक उसमें निर्णय में कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं ना तो प्रशासन में इस समय हूँ राजस्थान के, मैं 2008 में छोड़ चुका था प्रशासनिक सेवा का जो अपना कर्तव्य है, लेकिन फिर भी एक बैच में मैं जरूर रहा हूँ और मेरी सबसे बात भी होती रहती है, मेरा बहुत सारा जो उनके साथ भावनात्मक संबंध है अभी भी। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा सा आप ह्यूमैनिटेरियन बने, और मुझे जानकारी मिले कि राजस्थान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अभय कुमार सिंह, जो हमारे बहुत अच्छे कलेक्टर रह चुके हैं जिला उदयपुर के, उनसे भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। दिनेश एमएन जो पुलिस में हैं, और आलोक त्रिपाठी सर जो हैं, उनसे भी मैं थोड़ा सा परिचित हुआ था, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि वास्तव में इस समय हम सभी दुखी हैं, और इस तरह का पनिशमेंट ना करें। मैं यदि होता और मेरे सामने इस तरह लोग आते, तो मैं ये करता कि मैं जितने भी सीमित उसमें संख्या में लोग हैं उनको छोड़ करके सबको बाहर निकाल देता। इस समय आर्थिक, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक उत्पादन वैसे ही बंद है, और उधर से हम आर्थिक उस पर वो भी लगा रहे हैं, पेनल्टी भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा और जनता के बीच में संवाद की कमी है। क्योंकि मुझे याद है कि उदयपुर के अंदर कोटला तहसील में मैं काम करता था, सभी जानते हैं,
304 गांव थे और गांव भी बड़े विस्तृत क्षेत्र आबादी में फैले हुए थे। मैंने हर एक गांव में घूम घूम करके लोगों से कांटेक्ट किया हुआ था और लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी एक बात को जो मैंने मना कर दिया वो नहीं करते थे कभी। शुरू में जब हम आए तो काफ़ी धरने प्रदर्शन होते थे, लेकिन बाद में जो लोग बाग अपनी पर्सनल समस्या लेकर के नहीं, वो खुश होकर के आते थे। मैं हमेशा उनके लिए जो भी काम होता था, मेरा ये मानना था कि मेरा यदि स्टाफ कोई भी समस्या आपके लिए करता है तो आप मुझसे कहिए। शिकायत से करने से ना तो वो काम करेंगे ना कोई भी करेगा। आप मुझसे काम कहिए कि आपका यदि काम हो सकता है, क्योंकि मैं उनका अधिकारी हूँ, मैं उनका काम करूँगा। और उनकी समस्या क्या थी, उनके यहाँ पानी नहीं था, उनके बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, अदरवाइज़ वो बहुत खुश लोग थे, वो अपने आप में मस्त रहते थे। और उसके लिए फिर हमने गांव गांव सर्वे किया। अकाल राज चल रहा था उस समय, हमने उसको अच्छी तरह से मॉनिटर किया और उसमें बड़ा अच्छा लगा कि जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय APJ कलाम सर की विजिट वहाँ पर हुई, बहुत ही अच्छा ओकेजन था। तो हमें एक संवेदनशील होना। गत वर्ष भी जब लेबर का मूवमेंट था उस समय भी मेरी बहुत चर्चाएँ होती रहती थी और बहुत से बैचमेट्स मेरे कॉन्टैक्ट में थे। बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया, मैं होता तो मैं भी यही करता। और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर सभी राजनीति पार्टी ने सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब अकाल रात के समय हम काम करते थे तो लगभग ये होता था कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स का स्कोप नहीं बचता था। बहुत लोग सभी लेवल पर काम करते थे। और जो मेरा अपना नज़रिया है, यदि किसी को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का स्टडी करना है तो राजस्थान उनमें से एक है। वाटर मैनेजमेंट के लिए वास्तव में बहुत अच्छे काम किए हैं वहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ मेरे फील्ड की, क्योंकि मेरी अपनी वो थी। और उसके अंदर सभी साक्षरता के लोग सभी बड़े अच्छे तरह से काम करते थे। कुछ प्रशासनिक उसमें ढांचे के अंदर सुधार की आवश्यकता थी तो वो समय पर होता रहता था। और लेकिन आज मैं आकर के जब यूपी के अंदर देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर जो एक एक आइडियल वो है, एक स्टडी करने लायक वो है पॉइंट राजस्थान के अंदर, जिस तरह से पानी को लेकर के राजस्थान ने अपने यहाँ रिसोर्सेज को अपनाए हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, पॉलिटिकल पार्टी से कोई कंसर्न उसका नहीं है, सभी ने अपने अपने योगदान दिए। प्रशासनिक व्यवस्था ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पर। तो मेरा अपने बैचमेट से जो यदि मुझे कुछ समझते हैं कि मैं 20वें बैच से हूं और मेरी थोड़ी से भी रिक्वेस्ट मानते हैं तो प्लीज़ आप ऐसे काम ना कीजिए कि यहां तक पोस्ट पहुँचती है। मुझे दुख होता है, मैं कर तो कुछ नहीं सकता, कोरोना में भी कुछ नहीं कर सकता कोरोना में, लेकिन अभी भी मैं सहयोग कर रहा हूं। मैं जहाँ कोरोना के जो पेशेंट हैं जो भी आते हैं उनके साथ, उनके लिए मैं अपने घर पर उनके लिए अरेंज करता हूँ ताकि वो दुखी ना हो किसी भी तरह से, क्योंकि वो हमारे ही समाज का हिस्सा है ज़्यादातर। क्योंकि मैं मेरठ में हूँ, मुजफ्फरनगर से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर मेडिकल यहाँ पे बड़ा है, सेंटर है, फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। आज भी दो पेशेंट एडमिट हैं तो मैंने अपने घर में एक रूम और एक छोटा सा अटैचमेंट करके सब उनके लिए एक वो बना रखा है, सैनिटाइज़ करता हूँ उसको, ताकि कम से कम मेरे जो दोस्त हैं मैं उनसे वो क्वारंटाइन ना करूँ जो आके समाज में हो रहा है। कुछ नहीं होगा, जितने वो एक्सपोज हैं रिस्क के लिए उतना मैं भी हूँ। बात ख़त्म होगी इसमें कि मैं ये मानने लगूँ कि कोरोना मुझे नहीं होगा, सिर्फ उन्हें ही होगा, ये भी मैं नहीं कह सकता। किसी का कुछ पता नहीं है कौन कितने दिन क्या उसके साथ हो जाए, क्योंकि ये इस तरह का एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि जिसमें हम खुश जितने रह सकते हैं उतने खुशी रहे, किसी खुशी को ना रोकें। आदमी जिस तरह से भी खुशी होना चाहता है, ये हम उस तरह खुशी होने दें, हम मानवतावादी बने। और इस तरह का जो आर्थिक दंड है वो हम कम से कम उसे थोड़ा सा और लिबरेट करें, हम ह्यूमैनिटेरियन बने, हम जनता को समझाएं। जनता बहुत अच्छी जनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संवाद की कमी मैं ऐसे महसूस करता हूँ ऐसे उसमें। और धन्यवाद आप सभी को। और क्योंकि अभी 11 मई और 12 मई का मुझे याद है कि हमने 1999 में सभी ने RTS बैच में SCM रिपा उदयपुर में ज्वाइन किया था। मैं सोचता था कि मैं उस दिन एक पोस्ट करूंगा, लेकिन क्योंकि आज मुझे ये पोस्ट मिली तो इसलिए मैंने आज बात की है। धन्यवाद, शुभकामनाओं से शैलेंद्र सिंह, आपका अपना सहपाठी।